ये कथा राजगीर के पास दो छोटे छोटे जो उपनगर थे, यानी छोटे छोटे उपनगर, उनकी है। एक उपनगर का नाम था उपतिस्य और दूसरे उपनगर का नाम था कोलित। उपतिस्य और कोलित जो आज के नालंदा है, उस नालंदा के आसपास या नालंदा, ये उपनगर में आते थे जो राजगीर के पास थे। कहते हैं सारी पुत्र नालंदा के ही थे। ये जो कथा है ये भगवान बुद्ध के जो दो अग्र सावक हुए हैं, यानी कि जो शिष्य हुए हैं, जो आगे अग्नि रहे हैं, राइट और लेफ्ट हैंड, सारिपुत्र और महामोगल्यान, उनकी है। धम्मपद नंबर 11 और 12। उसमें उपतिस्य जो उपनगर था, छोटा कस्बा या गांव था, उसमें एक बहुत रूपसी, एक बहुत श्रद्धावान, एक बहुत अपने काम में अग्रणी, दयालु, सदाचारी, रुपैली एक महिला जिसका नाम सारी था, उसका एक पुत्र हुआ। उसको सारी पुत्र के नाम से जानते थे या उपतिस्य बोला करते थे, क्योंकि उपतिस्य गांव के नाम से लोगों की पहचान बहुत पुरानी रही है। पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर, आज की डेट का पाकिस्तान, पहले तो वो भारत का हिस्सा था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो आज भी अपने पिंड या अपने गांव के नाम को पीछे लगाते हैं। जैसे आपने मशहूर कलाकार का नाम सुना होगा राजेश खन्ना, तो वो खन्ना जो लगाते हैं वो खन्ने के हैं, इसलिए वो खन्ना लगाते हैं। या जो भिंडा वाला नाम था वो भिंडा वाले उसके थे गाँव के। या जो आज की डेट में जैसे इलाहाबादी लगाते हैं या बदायूं लगाते हैं या मुरादाबादी लगाते हैं, इस तरह के नाम वो पीछे लगाते थे। तो सारी पुत्र को उपतिस्य भी बोलते थे। और दूसरा जो गांव था उसमें एक महिला थी, उनका नाम था मोगली। मोगली नाम था, उनका एक पुत्र हुआ, उसको बोलते थे कोलित या महामोगल्यान। ये दोनों बच्चे आपस में मिले। इन दोनों बच्चों के घरों में, जैसे सबके घरों में था, क्योंकि सभी के पास खेत थे, सभी के पास में जानवर थे, तो खूब सभी के पास में मौज मस्ती थी। दोनों बच्चे आपस में, पास पास में गांव था, मिले तो उन्होंने दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद में बड़ी अच्छी दोस्ती उनकी चलती रही। थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद में वो राजगीर में एक मेला देखने के लिए गए। मेला देखते समय उन्होंने देखा कि वहाँ नाच गाना, मौज मस्ती, खाना, ये सब चल रहा है। तो दोनों को ये विचार आया, क्या मनुष्य इसीलिए पैदा होता है कि ये खाता रहे, पीता रहे, मौज मस्ती करता रहे, गाना गाता रहे और ये सब क्रियाकलाप करता रहे? क्या यही मनुष्य का उद्देश्य है? क्या मनुष्य इसी के लिए बना है? ये विचार दोनों के मन में आया और आपस में बातचीत की, तो ये विचार आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में ये हुआ कि हमें खोजना चाहिए कि आखिर हम क्यों बने हैं, प्रकृति ने हमें रचना क्यों की है, या हम प्रकृति के सबके ऊपर के हिस्से में जो चेतना युक्त हैं, वो चेतना का क्या काम है, वो कैसे काम करती है। ये जब अपने आप को जानने की और निज को जानने की और अपने बारे में जानने की जिस व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो जानवर से मनुष्य बनने की श्रेणी में आ जाता है। जानवर नहीं सोच पाता, उनकी चेतना इतनी नहीं होती, मगर अगर मनुष्य है और उसकी चेतना में ये आ गया कि वो यहाँ पृथ्वी पर कर क्या रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो आर्टिफिशियल हैं, मगर जब वो अपने बारे में, निज के बारे में सोचना शुरू कर देता है और ये सोचना शुरू कर देता है कि वो यहाँ पृथ्वी पे क्यों पड़ा हुआ है, क्या कार्य उसका है, उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, क्या यही जो कुछ चल रहा है, तब जब तक वो सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक बड़ी दिक्कत होती है। उनको भी बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने, दोनों ने आपस में मिलके और सोचा कि किसी व्यक्ति से पता करें, कोई हमारा शास्त्र मिल जाए, कोई हमारा टीचर मिल जाए, कोई हमारा शिक्षक मिल जाए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने ढूंढ की, तो ढूंढने पे उन्हें एक संजय नाम के गुरु मिले। जो संजय थे उनके काफी शिष्य थे। संजय के अपने सिद्धांत थे जो उन्होंने सीखे, प्रकृति सीखे और जितने वो सीख पाए। सीखने के बाद में उन्होंने ये देखा कि दोनों ने कि बात बनी नहीं, जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमें जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने आपस में तय किया कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में ढूंढेंगे और जिसको अगर प्रश्न का जवाब मिल जाए तो वो दूसरे को आगे तुरंत बताएगा। ऐसा प्रण करने के बाद में दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। सारी पुत्र को एक भिक्कू मिला घूमता हुआ,
जो बहुत शांत और बहुत चित से और जिसके चेहरे पर नूर था और जिसके चेहरे पर चमक थी, वो भिक्षाटन करता हुआ जा रहा था। सारिपुत्र ने देखा कि इसमें कुछ अंतर है, बाकी जो लोग हैं परिव्रजक हैं यानी जो घर छोड़ के आते हैं उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो उसने कहा कि जरा ठहरो और मुझे ये बताओ कि आपके गुरु कौन हैं और क्या सिखाते हैं। उस भिक्खु का नाम था असजीत। उसने कहा कि मैं तो अभी अभी भिक्खु संघ में दाखिल हुआ हूँ, अभी अभी मैंने क्लास लेनी शुरू की है, अभी अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है। हमारे जो टीचर हैं वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्या सिखाते हैं। असजीत ने कहा कि मैं जाता तो जानता नहीं क्योंकि मैं अभी अभी क्लास में भर्ती हुआ हूँ, मगर वो ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्ट होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों का एक निश्चित कारण होता है। वो जो कारण है उससे जो उत्पन्न होता है, उत्पाद उत्पन्न होता है, वो फिर कारण बन जाता है। और हर एक सभी प्राकृतिक चीज़ों का एक कारण है, उस कारण से वो पैदा होते हैं और वहीं से दुख पैदा होता है, और दुख को ख़त्म करने का तरीका भी वो बताते हैं। बस इतना सुनना था क्योंकि सारिपुत्र बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे और बुद्धि में पारंगत हो गए थे। ये बात बिल्कुल नई थी, ये कारण बिल्कुल नया था, ये सिद्धांत बिल्कुल नया था, ये टेक्निक बिल्कुल नई थी जो उन्हें अब तक नहीं मिली। उनको तुरंत क्लिक की, और जिसको बात तुरंत समझ में आ जाती है वो उस समय भी सोतापन्न हो सकता है, यानी उसका मुक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग खुल सकता है। और वो सुनते ही सोतापन्न हो गए कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने जान लिया शरीर पे। और वो दौड़े दौड़े गए और उन्होंने महामोगल्यान को, जैसा कि उनके साथ में निश्चित हुआ था, उन्होंने वो सारी बात बताई। महामोगल्यान ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा आओ चलो अपने जो टीचर हैं, गुरु हैं संजय, उनसे विदाई लेते हैं और उनको बताते हैं और उनको निवेदन करेंगे कि आप भी चलें। उन्होंने वहाँ जितने भी और शिष्य थे उनको भी ये बात बताई और कहा कि हम लोग जा रहे हैं। तो बाकी जो उनके साथी थे उन्होंने कहा हमें भी साथ ले लो जब आप चाह रहे हो। तो सारे के सारे साथी उनके लिए जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने संजय जो टीचर थे, गुरुजी थे, उनसे आज्ञा मांगी। तो संजय जो टीचर थे उनको अपनी गद्दी का, अपने टीचर होने का, अपने ऊंचे स्थान होने का बड़ा ही राग हो चुका था। और उन्होंने सारिपुत्र को कहा, मुगलन कहा कि आप दोनों मुझे छोड़ के मत जाओ, अब हम तीनों टीचर हैं, हम तीनों गुरु हैं, हम तीनों मिलके ये जो हजार शिष्य हैं इनको सिखाएंगे, और आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, आप मत छोड़ो। तो सारिपुत्र ने कहा कि जो आप सिखा रहे हैं उसमें सार नहीं है, उसमें वो एसेंस नहीं है, उसमें वो बात नहीं है जिससे कि हम जीवन में विमुक्त होकर जाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि आप भी चलिए और जहाँ सीखने को मिले वहाँ से सीखना चाहिए, क्योंकि हमें सीखना ही हमारा काम है और सीख के सिखाना ज़रूरी है। तो संजय तैयार नहीं हुए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के बाद संजय ने कहा कि आप दोनों छोड़ के चले जाओ, ये सारे लोग जा रहे हैं, चले जाओ, मगर इस दुनिया के अंदर मूर्खों की कमी नहीं है। इनफैक्ट इस दुनिया के अंदर मूर्ख लोग बहुत ज़्यादा हैं, अज्ञानी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे तो बहुत सारे शिष्य मिल जाएंगे और आपको शायद अच्छे टीचर ना मिले, इसलिए आप जाके सीखो और मेरी मठ और गद्दी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक मूर्ख हैं तब तक गद्दी को और मठ को चलाने में कोई दिक्कत मुझे नहीं आएगी। सारिपुत्र और महामोगल्यान अपने हजार साथियों के साथ भगवान बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी स्कूल की तरफ चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने ये सारा वृतांत, ये सारी बात उन्होंने वहाँ भगवान बुद्ध से बताई। तब भगवान बुद्ध ने जो बात कही वो गाथा नंबर 11 और 12 में आती है। गाथा नंबर 11 और 12। ए सारे सार मतिनो, सारे च आसार दस्यनो, ते सारंग ने अधिगच्छन्ति मिच्छा संकप गोचरा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति असार में सार को ढूंढता है, यानी कि बेकार बात में काम की बात ढूंढता है, और सार में जो अच्छी बात है उसमें वो बेकार की बात को देखता है, दर्शन करता है, उसको कभी भी सार प्राप्त नहीं हो सकता। जो हमेशा
झूठे संकल्पों के साथ में रहता है या उनमें ही भ्रमण करता रहता है या झूठे संकल्पों को मानता है। ये बात भगवान बुद्ध ने पहली गाथा में गाथा नंबर 11 में कही। इसमें असारे का मतलब जो है वो है कि असार यानी सार का ना होना, सार मतिनों का मतलब है जो सार को प्रज्ञा के हिसाब से देखे, सारे चे आसार दर्शनों और जो सार में असार का दर्शन करे, ते सारंग ने अधि गच्छन्ति, ने माने नहीं अधि माने प्राप्त करता है और गच्छन्ति माने आती है, उसको सार कभी नहीं आता। मिच्छा संकल्प गोचरा, जो गोचर करता है यानी कि घूमता है, गोचर माने वैसे होता है गाय को चराना या भ्रमण करना या घूमना, तो मिच्छा संकल्प गोचरा जो झूठे संकल्पों में घूमता है या जो झूठा संकल्प करता है उसको सार कभी प्राप्त नहीं होता। जो अच्छी बात में खराब बात ढूंढता है और खराब बात में अच्छी बात ढूंढता है। फिर इसको उन्होंने गाथा नंबर 12 में कहा है, सारंग चय सार तो यतवा, सारंग चय सार तो यतवा, यानी कि जो अच्छी बात में अच्छी बात का ज्ञान रखता है, यतवा माने जानता है ज्ञान रखता है, सार तो माने अच्छी बात से, आसारंग चय असार तो, और जो असार यानी कि जो बेकार की बात है उसको वो बेकार की बात से ही जानता है, यानी कि जो अच्छी बात को अच्छी बात की तरह जानता है, खराब बात को खराब बात की तरह जानता है, ते सारंग अधिक अच्छति, वो अच्छी बात को प्राप्त कर लेता है, सम्या संकल्प गोचरा, जो सम्मक यानी जो अच्छा संकल्प लेके चलता है गोचर करता है। ये बात भगवान ने संजय परिव्रजक जो थे, जो उनके पुराने टीचर थे, उनके विषय में कही, और ये धम्मपद की गाथा नंबर 11-12। धन्यवाद।